जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर भूमाफिया सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल निवासी देवरा कला थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलापों से आयोजित की गई अवैध चल अचल संपत्ति जिसकी कीमत 1,10,40,000 रुपए की है उसे जब्त कर कुर्क की गई है। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर द्वारा अवगत कराया गया कि मुकदमा अपराध संख्या 287/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना गंगाघाट सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल निवासी देवरा कला थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा सुरेश पाल उपरोक्त के द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अवैध तरीके से गैंग बनाकर गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा था। गैंगस्टर अपराधी सुरेश पाल पुत्र बाबूलाल पाल निवासी देवरा कला थाना जिनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति ये पूर्ण संख्या 449/70 10/02 हेक्टेयर जिनको श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय उन्नाव के आदेश अनुसार जुट की गई है और इसकी वर्तमान में कीमत 1,10,40,000। इस तरह के आपराधिक कृत्यों में जो भी संलिप्त होगा और उसके द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो भी संपत्ति बनाई जाएगी उनके खिलाफ इसी प्रकार से कार्रवाई।